कहते हैं कि इंसान अपने अनुभव से ही सीखता है, लेकिन कभी कभी अनुभव के इंतजार में सही समय पीछे छूट जाता है। तो आपका सही समय पीछे ना छूटे, इसके लिए आज की वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन, करछी से कलम तक। आज की वीडियो है सभी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, जो किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी के दौरान एग्जाम के एक महीने पहले ये पांच गलतियां ना करें। आपको अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी। और प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी जान सके कि कहीं आप भी ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ चीज़ें टेंशन में गलतियां कर जाते हैं, और जिसका रियलाइजेशन उनको बाद में होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि बाद में भी उनको रियलाइज नहीं होता है। तो आप अपने अनुभव के इंतजार में आपका वक्त बीत जाता है, तो कभी कभी दूसरे का अनुभव काम आ जाता है। तो एग्जाम में टेंशन के कारण आप ये सिली मिस्टेक्स ना करें, इसके लिए ये वीडियो है। अब वो कौन कौन से मिस्टेक्स है, चलिए वो भी जान लेते हैं कि एग्जाम में टेंशन के कारण एग्जाम के एक महीने पहले आप क्या क्या गलतियां कर जाते हैं। और वीडियो को देखने के बाद आप खुद एनालाइज करिएगा कि आपने ये गलतियां की हैं या नहीं की हैं। सबसे पहले मैं यहाँ कोई टाइम टेबल बनाने वाली नहीं हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जाम के एक महीने पहले आप रात को पढ़ना कर दीजिए बंद। अब आप सोच रहे होंगे मैं अजीब सा सजेशन दे रही हूँ, चलिए मैं इसका कारण बता देती हूँ। हमारे माइंड की और हमारे शरीर की एक कैपेसिटी होती है एक्टिव रहने की, और जिस समय हम ज्यादा जगते हैं माइंड भी उसी समय एक्टिव रहता है। ऐसे में आपकी आदत पड़ जाती है और आपके माइंड की आदत पड़ जाती है रात को एक्टिव रहने की। और आपको भी पता होगा कि आपका एग्जाम होता है दिन में, तो एग्जाम के एक महीने पहले रात को समय पे सोना शुरू करिए और दिन में उस समय बैठ करके पढ़ना शुरू करिए जिस समय की आपका एग्जाम है। चाहे आप प्री का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, या चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको रात में सोने की और दिन में उस समय पढ़ने की आदत होनी चाहिए। सिटिंग करके पढ़ने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि माइंड आपका उसी समय एक्टिव होगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है ना, वो बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं माइंड के एक्टिव ना होने के कारण। और अगर आपका माइंड एक्टिव रहता है तो चार ऑप्शन में जो कन्फ्यूजन होता है या सिली से मिस्टेक्स हो जाते हैं, वो सब होना हो जाता है बंद। तो आज से रात को पढ़ना कर दीजिए बंद। दूसरा, एग्जाम के एक महीने पहले प्लीज किताबों को कर दीजिए बंद। अब आप फिर सोच रहे होंगे मैं फिर से अजीब सा सजेशन दे रही हूँ, चलिए इसका भी कारण बता देती हूँ। किताबें बंद करना इसलिए जरूरी होता है कि जब भी हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारी आदत होती है 7 से 8 किताबों को पढ़ने की, और एग्जाम टाइम में एक महीने पहले 7 से 8 किताबों को रिवीजन करने का वक्त नहीं होता, और वक्त की कमी के कारण हम आती हुई चीजों को दोबारा पढ़ लेते हैं और जो चीजें पढ़नी चाहिए वो छूट जाती है। इसलिए किताबों को बंद करके एग्जाम के एक महीने पहले सिर्फ अपने नोट्स को ही पढ़ें, और वही चीजें पढ़ें जो आपने बार बार उसी जगह से पढ़ें जिसको आपने बार बार पढ़ा है। बैक ईयर क्वेश्चंस को पढ़ें और बैक ईयर क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो डिस्क्रिप्शन से बनाए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन से 40% क्वेश्चन आपके लड़ जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन को रिवीजन करिए। इसके अलावा आप मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के बैक ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करिए। प्री की तैयारी कर रहे हैं तो प्री के बैक ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करिए। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक को पढ़िए। अब तीसरा कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि रिसर्च करना छोड़ दीजिए एग्जाम के एक महीने पहले। अब आपको लग रहा होगा ये रिसर्च क्या है। रिसर्च करना इसलिए कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर प्री क्वालिफाई करना होता है तो हमें सिर्फ प्री के लिए पासिंग मार्क चाहिए होते हैं, कि कोई भी 100% मार्क्स नहीं लाता है प्री में। मेंस अगर क्वालिफाई करना है तो मेंस में भी जो 60% लाते हैं वो टॉप करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्री में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, मेंस में आपको सारे आंसर्स नहीं लिखने हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं छोड़ने या तुक्का मारने के लिए। तो ऐसे में आप जो रिसर्च करते हैं एग्जाम के एक महीने पहले कि कहीं ये भी ना छूट जाए वो भी ना छूट जाए के चक्कर में आपकी बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो एग्जाम के टाइम में आप रिसर्च करना छोड़ दीजिए, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ही पढ़िए। वही सब्जेक्ट पढ़िए जिसके बारे में आपको पता हो कि इस सब्जेक्ट को अगर आप रिवीजन कर लीजिएगा तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप गलत लगा के नहीं आइएगा, गलत लिख कर नहीं आएगी। ना कि वो सब्जेक्ट्स पढ़िए जिसका आपको पता है कि आप कितना भी पढ़ लीजिएगा आपसे एग्जामिनेशन टाइम में गलतियां हो सकती हैं, जैसे कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए साइंस के क्वेश्चंस। तो रिसर्च करना बंद कर दीजिए। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, डिस्कशन करना बंद कर दीजिए। ग्रुप डिस्कशन करना एग्जाम के एक महीने पहले कर दीजिए बंद। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि मैं कैसे अजीबोगरीब सजेशंस दे रही हूँ, चलिए इसका भी एक रीजन है। डिस्कशन के दौरान क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाते हैं जिसका आंसर कोई ना दे पाए,
और अगर आपसे कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर आप नहीं दे पाते हो, वो भी एग्जाम के एक महीने पहले, तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है कम और आप सोचते हैं कि मैंने इतने दिन क्या पढ़ाई की जो मैंने ये आंसर नहीं मैं नहीं दे पाया। इस चक्कर में आप उस क्वेश्चन और उस टॉपिक पर रिसर्च करना शुरू कर देते हो और इसके चक्कर में आपको जो टॉपिक्स पढ़ने चाहिए थे वो छूट जाते हैं। तो ऐसे में ग्रुप डिस्कशन आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है, आपको करना चाहिए रिवीजन, वो भी अकेले बैठ करके रिवीजन करिए। खुद डिसाइड करिए कि आपका वीक पोर्शन क्या है और स्ट्रांग पोर्शन क्या है, किस चीज में आपको कितना टाइम देना है और किस तरह से रिवीजन करना है, ना कि दूसरों को डिसाइड करने दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी एग्जामिनेशन जो है वो कॉन्फिडेंस से निकाला जाता है, तो एक महीने पहले ऐसे ही काम करिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। चलिए अब मैं पांचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बात बताती हूँ कि रिवीजन कैसे करना है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हो कि एक महीने में सारी किताबों और सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर लें, तो रिवीजन का सही तरीका मैं आपको बताती हूँ। रिवीजन करने का सही तरीका होता है बैक ईयर क्वेश्चन को रिवीजन करना, चाहे प्री का या मेंस का उसका डिस्क्रिप्शन को रिवीजन करना, साथ ही करंट अफेयर्स पढ़ना। करंट अफेयर्स से जरूरी मैं एक बात बता दूं कि अगर आपका एग्जाम एक महीने बाद है तो आप इस महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना बंद कर दीजिए, उस पर रिसर्च करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो उसका क्वेश्चन अब तैयार हो चुका होगा। तो आप एक महीने पहले तक का करंट अफेयर्स पढ़िए, करंट अफेयर्स की किताब उठाइए और जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ उसका जीएस रिवीजन करिए। जैसे कि अगर आप निर्वाचन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इलेक्शन इस बार का उससे रिलेटेड न्यूज पढ़ रहा है, तो निर्वाचन आयोग को पूरा रिवीजन कर लीजिए। अगर आप एग्रीकल्चर का कोई नया प्लान पढ़ रहे हैं तो कृषि टॉपिक को पूरा रिवीजन कर लीजिए। अगर आप कहीं भी ज्योग्राफिकल, राष्ट्रीय, इंटरनेशनल या नेशनल न्यूज में किसी एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस एरिया की पूरी मैपिंग करके ज्योग्राफी की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जीएस के ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के जो सेक्शन होते हैं और साइंस एंड टेक में टेक का जो सेक्शन होता है वो सब करंट अफेयर्स से लिंक्ड होता है। तो आपके जीएस का जो होता है वो 40% क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होता है और बाकी क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर्स से लिंक करके बनाए जाते हैं, क्योंकि किसी को भी पूरा जीएस नहीं याद होता है, तो क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं कि आपने करंट अफेयर्स से लिंक करके पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो इस तरह से करंट अफेयर्स के साथ आप जीएस को रिवीजन करिए आखिरी के एक महीने में, और अपने लूप होल्स जानिए कि किन पोर्शंस को आपको ज़्यादा वक्त देना है, उस लूप होल्स पे वक्त लगाइए, ना कि दूसरों के साथ ग्रुप डिस्कशन करके, रिसर्च करके, 10 किताबें पढ़ के, रात में जग करके पढ़ के। आप कोई तीर नहीं मारिएगा होल नाइट पढ़ करके, आप दिन में पढ़ने की आदत डालिए, दिन में क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालिए, सिटिंग बैठ करके पढ़ने की आदत डालिए, आपके अपने माइंड को एक्टिव रखिए। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में कभी कभी जो आपसे सिली ब्लंडर मिस्टेक्स हो जाते हैं वो क्यों हो जाते हैं, तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं और छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं जिसको आपका ध्यान रखना है आपको। और एक छोटी सी डायरी बनाइए जिसमें आप वो चीज़ें लिख लें जो आपको नहीं याद है, क्रम से लगाना, मैचिंग करना, इस टाइप का, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्रम, एक छोटी सी पॉकेट डायरी में रखिए ताकि जब मौका मिले आप उसको देख के रिवाइज कर लीजिए। एग्जाम के 2-3 दिन पहले आप उसको देख करके रिवीजन कर लीजिए। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स और शॉर्टकट्स की एक डायरी बनाइए। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, बस उसको सही डायरेक्शन मिलना जरूरी होता है, और यही डायरेक्शन मिलने में लेट होने की वजह से कभी कभी आपका अनुभव के इंतजार में आपका समय पीछे चला जाता है। तो आपका समय पीछे ना जाए इसके लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए शेयर की है। आई होप आपको ये वीडियो और वीडियो में दी गई ये छोटे छोटे टिप्स और ये मेरे अनुभव आपको पसंद आए होंगे, और आप इसको अप्लाई जरूर करिएगा। आपको खुद इस बार के एग्जामिनेशन टाइम में ये अंतर समझ में आएगा और इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा, तो आपको खुद चीजों को समझ में आएगी कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं। तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आगे आपको किस टॉपिक से रिलेटेड गाइड चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नए यूजर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को और लोगों से भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचना।